आज से ठीक एक साल पहले जब गूगल ने अपना पिक्सल 8 प्रो रिलीज किया तो लोगों ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि ये फोन काफी ज्यादा महंगा है और अपने कंपटीशन के मुकाबले में काफी अंडर पावर है। अच्छी बात यह है कि गूगल की डिवाइसेस रिलीज के पहले साल में ही काफी ज्यादा प्राइस ड्रॉप कर देती है। इनफैक्ट करंटली ये फोन आपको अपनी रिलीज प्राइस के ऑलमोस्ट हाफ में मिल रहा है। करंट प्राइस टैग के साथ ये फोन एक काफी क्लियर चीज बन चुकी है जो कि अपने कैमरा से और सॉफ्टवेयर से अच्छे अच्छे फोन की छुट्टी करा देता है। स्टिल आपके लिए बहुत सारी चीजें जानना लाजमी है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यह ना आप जल्दी में कोई फैसला ले लें और बाद में पछता रहे हो। मेरा नाम है फैजान, आप देख रहे हैं फोन देखो YouTube चैनल। आज मैं आपको Google Pixel 8 Pro का ही रिव्यू देने वाला हूं। डिजाइन की बात करूं तो ये Pixel 6 से चलने वाली Google की कैमरा वाइजर वाली लेगेसी को कंटिन्यू रख रहा है। कैमरा वाइजर भी इस फोन में आपको काफी हैवी मिल रहा है, उसकी वजह क्योंकि इस फोन में आपको काफी हैवी ड्यूटी ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। वीडियो में आगे चल के कैमरा पे डिटेल में बात करेंगे, बट अभी के लिए आप लोग कैमरा का साइज तो चेक करें कितना ज्यादा ह्यूज है। प्रीमियम डिवाइस होने की वजह से बैक पे आपको Gorilla Glass Victus 2 मिलता है और इसकी बैक भी दोनों साइड्स को कर्व कर रही है जो कि यूज करने में इसको काफी कंफर्टेबल बनाती है और आज भी ये फोन आपको कहीं से भी आउटडेटेड फील नहीं होगा। बैक साइड पे बड़ा कैमरा वाइजर होने की वजह से आपकी इंडेक्स फिंगर को एक्स्ट्रा ग्रिप मिल जाती है जिससे फोन यूज करना और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। पिक्सल 6 प्रो और 7 प्रो से सीख के गूगल ने कर्व डिस्प्ले को डिच कर दिया जिसकी वजह से आपको फ्लैट डिस्प्ले मिल रहा है जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल है और ज्यादा ड्यूरेबल है। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये फोन काफी ज्यादा सॉलिड है। फ्रंट पे आपको 6.7 इंचेस का ओएलईडी डिस्प्ले मिल रहा है जिसकी रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट क्वाड एचडी। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है और ये LTPO टैग सपोर्टेड है, मतलब 1 हर्ट्ज़ से 120 हर्ट्ज़ के बीच डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट वेरी कर सकता है। आपको इसमें HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलता है और इसकी पीक ब्राइटनेस 2400 निट्स है और हाई ब्राइटनेस मोड में ब्राइटनेस इसकी 1600 निट्स तक जा सकती है। मतलब आउटडोर विजिबिलिटी का कोई मसला ही नहीं है, जितनी मर्जी धूप हो जैसा भी मौसम हो डिस्प्ले आपको परफेक्टली विजिबल रहने वाला है। 2K रेजोल्यूशन होने की वजह से आपको पिक्सल डेंसिटी भी 489 PPI मिल रही है जिसकी वजह से डिस्प्ले काफी ज्यादा शार्प। अगर आपको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए तो डिस्प्ले रेजोल्यूशन से आप लोग इसकी रेजोल्यूशन फुल HD पे भी सेट कर सकते हैं। पिक्सल 8 और 8 प्रो के डिस्प्ले को गूगल एक्चुअल डिस्प्ले कह रहे हैं और क्वालिटी के मामले में भी आपको डिस्प्ले के किसी एस्पेक्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज फेस नहीं करना पड़ेगा। तो डिस्प्ले इस फोन का काफी ज्यादा सॉलिड है। मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो इसका फ्लैट होना है। OLED डिस्प्ले होने की वजह से आपको इसमें फ्रंट पे ही ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाते हैं और फिंगरप्रिंट स्कैनर की लोकेशन भी काफी डिसेंट है। मैं इस पे अपने फिंगर एनरोल करूं और आप लोग देख सकते हैं एनरोलमेंट की स्पीड काफी डिसेंट है, बट सैमसंग के अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर जितना फास्ट नहीं है। तो थंब मेरा इस पे रजिस्टर हो चुका है, अब मैं आपको इसकी अनलॉकिंग स्पीड चेक करवाता हूं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरी फिंगर टच होते ही फोन इंस्टेंटली अनलॉक हो रहा है। अनलॉकिंग स्पीड इसकी काफी डिसेंट है और फिंगरप्रिंट स्कैनर हर टर्न पे फोन को काफी रिलायबल वे में अनलॉक कर रहा है। तो वर्किंग वाइज इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी डिसेंट है, अगर ऑप्टिकल की जगह अल्ट्रासोनिक होता तो मजीद बेहतर हो सकता है। बैटरी लाइफ की बात करूं तो इस फोन में आपको काफी ह्यूज 5050 mAh का बैटरी सेल मिल रहा है। प्रोसेसर आपको इसमें गूगल का सेल्फ डिजाइन टेंसर G3 मिल रहा है जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ड है और गूगल का अपना प्रोसेसर होने की वजह से बैटरी ऑप्टिमाइजेशन आपको काफी डिसेंट मिलती है। डिस्प्ले आपको इसमें क्वाड एचडी मिल रहा है, इसकी ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा, ऊपर से इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है जिसकी वजह से इसका डिस्प्ले बैटरी के मामले में इतना ज्यादा पावर एफिशिएंट नहीं है। तो बैटरी लाइफ आपको इस फोन में काफी डिसेंट मिल जाती है, नॉर्मल यूज पे ये इजीली आपका पूरा दिन निकाल जाता है, बट इससे आप लोग एक्सेप्शनल बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस फोन का हार्डवेयर काफी ज्यादा पावर हंग्री है। तो 5000 mAh का बैटरी सेल होने के बावजूद भी आपको इसमें बहुत अच्छी बैटरी लाइफ देखने को नहीं मिलेगी। रफ यूज के साथ अगर आप लोग हैवी यूजर हैं, इसका इंटरनेट डाटा ऑन रखते हैं, इसको आउटडोर काफी ज्यादा यूज करते हैं, हल्की फुल्की गेमिंग करते हैं, तो ये फोन आपको 6 से 7 घंटे स्क्रीन टाइम ऑफर कर जाएगा। पावर यूजर को बहुत अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा, बट अगर आप लोग नॉर्मल यूजर हैं तो गूगल की ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आपको बैटरी बैकअप काफी डिसेंट देखने को मिलेगा। इस फोन की बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पे गूगल ने काफी ज्यादा काम किया, मिक्स यूज पे ये फोन आराम से आपका पूरा दिन निकाल जाएगा। स्पीकर्स की बात करूं तो इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, इसके बॉटम में और एक इसके एयरपीस में। जहां तक ऑडियो क्वालिटी की बात है तो इसके स्पीकर्स काफी बेस रिच है और आपको बिल्कुल फुलर साउंड करेंगे। लाउडनेस या वॉल्यूम स्पीकर्स काफी डिसेंट है, बट iPhone 15 Pro Max या S24 Ultra जितने लाउड नहीं है। ये रहा इसकी ऑडियो का एक डेमो जिससे आपको इसके स्पीकर्स का और भी अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें आपको गूगल का अपना ही टेंसर G3 प्रोसेसर मिलता है जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ड है और नोना कोर प्रोसेसर। रैम आपको इसमें 12 GB मिल रही है, बट स्टोरेज आपको इसमें UFS 3.1 मिल रही है जो कि इस प्राइस ब्रैकेट की ऐसी डिवाइस के लिए एक बहुत बड़ा बमर है क्योंकि इसके कॉम्पिटिशन में आने वाली सारी डिवाइसेज UFS 4.0 स्टोरेज स्पीड ऑफर कर रही है जो कि इससे ऑलमोस्ट डबल है। रैम परफॉर्मेंस के मामले में भी गूगल का प्रोसेसर अपने से 1 साल पुरानी स्नैपड्रैगन की चिप के साथ कम्पीट कर रहा होता है। डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज LTPO टैग सपोर्टेड मिल रहा है जिसकी वजह से
इसको यूज करना काफी ज्यादा स्मूथ फील होता है। मैं आपके सामने मल्टीपल एप्स ओपन करता जा रहा हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि ऐप लोडिंग टाइम काफी कम है और फोन काफी ज्यादा फास्ट और फ्लूइड फील हो रहा है। रूटीन यूज के टास्क ये फोन काफी अच्छी तरह से हैंडल कर जाता है। आप इस पे गेमिंग भी काफी अच्छी सेटिंग्स पे कर सकते हैं, बट अगर आप लोग इस पे कोई हैवी टास्क रन करते हैं जैसे कि वीडियो एडिटिंग या फिर रेंडरिंग हो गई या फिर कैमरा का काफी ज्यादा यूज हो गया या फिर हैवी गेमिंग हो गई तो ये फोन काफी ज्यादा हीटअप भी हो जाता है। परफॉर्मेंस आपको इस फोन में सॉलिड मिल जाएगी, बट अगर आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस चाहिए तो आप लोग S23 Ultra या फिर S24 Ultra की तरफ जा सकते हैं। जरा बात कर लेते हैं इस फोन की मेन हाईलाइट के बारे में, जो कि इसका कैमरा, और मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर लोग इसको इसके कैमरा की वजह से ही परचेज कर रहे हो। तो इसकी बैक पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 MP का मेन कैमरा, 48 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 48 MP का 5x टेलीफोटो जूम कैमरा। मेन 50 MP कैमरा का सेंसर साइज आपको iPhone 16 Pro Max वाला मिल रहा है। अल्ट्रा वाइड कैमरा का सेंसर साइज आपको iPhone 16 Pro Max से भी बड़ा मिलता है और 5x पेरिस्कोप जूम कैमरा का सेंसर साइज भी आपको iPhone के 5x कैमरा से बड़ा मिल रहा है। ये गूगल की लेटेस्ट कैमरा है, आपका इंटरफेस है बिल्कुल नीट क्लीन है, आप लोग वन हैंड से इजिली कैमरा की सारी सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हैं। 0.5x पे अल्ट्रा वाइड कैमरा, 1x पे मेन कैमरा, 2x पे 2x डिजिटल जूम, जबकि 5x पे आप लोग 5x पेरिस्कोप जूम कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं। कैमरा यूज करने का एक्सपीरियंस बताऊं तो आप लोग जैसे ही कैमरास के बीच में स्विच करते हैं तो इसमें जो ट्रांजिशन है वो इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं है। आईफोन से आप लोग अल्ट्रा वाइड कैमरा से 5x तक भी जूम कर लें तो आपको ऐसा फील होगा कि आप लोग सिंगल कैमरा से जूम इन जूम आउट कर रहे हैं। इस फोन के सारे कैमरा सेंसर्स एक ही लाइन में है तो मेरे ख्याल से कैमरास के बीच में स्विच करने पे फ्रेम भी चेंज हो जाता है। अभी मैं 5x कैमरा पे हूं और आप लोग देख सकते हैं कि 5x कैमरा भी इसका काफी ज्यादा स्टेबल है। सैमसंग की तरह ये जूम को 100x तक स्ट्रेच नहीं करता, बट आपको 30x मैक्सिमम जूम मिलता है और 30x पे भी आपको काफी यूजेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। इन फोन्स को सोर्स करने में, टेस्टिंग करने में, आप तक इस तरह का रिव्यू लेके आने में काफी ज्यादा एफर्ट लगती है, तो अगर आपको मेरी एफर्ट पसंद आ रही है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। फोटोग्राफी की बात करूं तो विदाउट एनी डाउट गूगल किंग है और आप लोग इसके रिजल्ट से आइडिया लगा भी सकते हैं। इस फोन के किसी भी कैमरा से किसी भी जूमिंग लेवल पे आप लोग कोई भी फोटो कैप्चर कर लें, इसके रिजल्ट्स आपको हैरान कर देंगे। कलर एक्यूरेसी आपको इसमें नेक्स्ट लेवल मिलती है, गूगल का HDR तो बिल्कुल सॉलिड है। पिक्सल फोन्स की अच्छी बात यह है कि इनकी फोटोज में कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होता है और इनकी फोटोज बिल्कुल पॉप करती है, आपको लगता है कि काफी सारी डिटेल्स हैं इनमें। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, वीडियोस इतने ज्यादा शूट नहीं करते तो ये फोन आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा में आपको ऑटो फोकस मिलता है जिससे आप लोग इसको एज अ मैक्रो कैमरा भी यूज कर सकते हैं, तो 48 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपके लिए एक मैक्रो कैमरा के तौर पर भी सर्व कर सकता है। फ्रंट कैमरा इसका काफी सॉलिड है, आप लोग अपने भाई को देख सकते हो विदाउट एनी एडिटिंग, विदाउट एनी फिल्टर। जहां तक इसके पोर्ट्रेट मोड की बात आती है तो सैडली आप लोग इसके 5x कैमरा से पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर नहीं कर सकते, जो कि मेरे ख्याल से हार्डवेयर का काफी इनएफिशिएंट यूज है। ये इसके 1x और 5x कैमरा का साइड बाय साइड कंपैरिजन है। 5x कैमरा में आपको वैसे ही नेचुरली बैकग्राउंड ब्लर मिल जाता है। वीडियोग्राफी की बात करूं तो इस फोन का अल्ट्रा वाइड कैमरा, मेन कैमरा और 5x पेरिस्कोप जूम कैमरा सारे कैमरास ही 4K 60fps वीडियो शूट करने के कैपेबल है। अभी की टेस्टिंग के लिए मैं वीडियो सेटिंग 1080p 60fps कर रहा हूं ताकि कैमरा ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग कर सके और वीडियो हमें ज्यादा से ज्यादा स्मूथ मिले। वीडियोग्राफी में भी आप लोग देख सकते हैं कि कैमरा के बीच में स्विच करना इतना ज्यादा स्मूथ नहीं है। हम जैसे ही कैमरा के बीच में स्विच करते हैं तो आपको फ्रेम में भी थोड़ा सा स्विच देखने को मिलता है। वीडियो में मैक्सिमम जूम आपको 20x मिलता है और 20x पे भी सरप्राइजिंगली कैमरा काफी ज्यादा स्टेबल है और आपको काफी यूजेबल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दोस्तों अभी मैं शूट कर रहा हूँ गूगल पिक्सल 8 प्रो के अल्ट्रा वाइड कैमरा से और मैं शूट कर रहा हूँ 1080p 60fps पे और वीडियो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, बट ये फ्रेम ड्रॉप अभी हुआ था, खैर अब तो नहीं हो रहा। अब ये इसका मेन कैमरा है और अभी भी मैं शूट कर रहा हूँ 1080p 60fps पे, तो ये इसकी फोकसिंग कुछ ऐसी है, काफ़ी फास्ट है। अब ये इसका 2x जूम लेवल है, 2x भी गूगल कहता है कि ये ऑप्टिकल जूम के इक्वल है, तो 2x पे आपको कुछ इस तरह की स्टेबलाइजेशन और रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब ज़रा बढ़ते हैं इसके 5x जूम लेवल की तरफ, 5x के लिए मैं कुछ ढूंढ लूँ। ये इसका 5x जूम लेवल है, ये 2x है। 5x कैमरा पे स्विच करते ही आप लोग देख सकते हैं कि HDR के मामले में कैमरा स्विच करने में थोड़ा सा लेजी हो गया। ये इसका स्टिल 5x कैमरा ही चल रहा है। आपको 5x कैमरा का जादू दिखाता हूँ कि ये देखें, इसमें आपको नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर मिलता है,
तो ये था Google Pixel 8 Pro का कंप्लीट रिव्यू। अपने करंट लो प्राइस टैग की वजह से ये काफी सॉलिड ऑप्शन बन जाता है। इस फोन की सारी शॉर्टकमिंग्स मैंने आपको वीडियो में बता दी हैं, तो अगर आपके लिए ये चीजें इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती हैं, तो ये फोन आपके लिए काफी सॉलिड ऑप्शन है। इस तरह के बॉक्स वाले साफ सुथरे फोन परचेस करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही पेज का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग आंखें बंद करके ये फोन मंगवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस फोन में काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, तो ये रहा Galaxy S23 Ultra का रिव्यू। इस फोन में आपको कोई भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपको इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए